नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गया है, जिसको लेकर हर पार्टी के वरीय नेता हर क्षेत्र में भ्रमण कर भाषण कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव सुनिश्चित है, जिसको लेकर एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं। आज एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को लेकर बहादुरपुर दुर्गा मंदिर के मैदान में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में एनडीए के प्रचारक उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जमकर महागठबंधन के कार्यशैली पर आरोप लगाई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर काम कर रही है और महागठबंधन सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। जनता जवाब देगी और इस बार फिर से अजय मंडल को यहां के लोग भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, पाकिस्तान की तरफ से एक चुटकिया बम भी हिंदुस्तान में फेंक दे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला शुरू कर दिया जाता है और पाकिस्तानी को ठंडा कर दिया जाता है। ये है भारत, ये बदलता हुआ भारत है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करने आए, बहादुरपुर के लोगों से, नाथनगर के लोगों से, कि उत्तराखंड के वोट मिलता है ना, पक्का ना? तो बोला था हमार मांझी जी दोनों माला पहनाए दिया, पक्का? देखिए एक बार और मोदी जी को आपका आशीर्वाद का जरूरत है, यानी 26 अप्रैल है और उसी के उपलक्ष में आज ये चुनावी सभा संपन्न हो रही है। इसके मंच संचालन हमारे शिशुपाल भारती जी कर रहे हैं और अध्यक्षता श्री ललन सिंह जी जो प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और यहाँ प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार। का जो लोकसभा का चुनाव है, देश का दिशा हमें एक अच्छे देश के विकास में ले जाना है, इसीलिए हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और उनके हम पोस्टमैन बनकर आप लोगों से आपका संदेश लेकर माननीय प्रधानमंत्री को पहुंचाना है, यही कहने में आया हूं। और हम एनडीए